अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइव विद आयजा यूब। होपफुली माय यूट्यूब फैमिली सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही मज़े का मटन कोरमा रेसिपी है, जो पाकिस्तान की ट्रेडिशनल एंड फेवरेट रेसिपी है। पंजाब का जो है ना कल्चर, उसमें मटन कोरमा और चिकन कोरमा और इस तरह की जो चीज़ें, इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऐड कर लिया मैंने कुकिंग ऑयल, तकरीबन हाफ कप है। आफ्टर देन मैंने इसमें ऐड कर लिया है ज़ीरा एंड साथ में दो मोटी जो मसाले वाली इलायचियाँ हैं वो मैंने ऐड की हैं, और टू स्टिक्स मैंने दालचीनी के ऐड किए हैं। इसको हम करेंगे यहाँ पर अच्छे से 1 मिनट के लिए फ्राई। जैसे ही ये फ्राई हो जाए, ऑयल जो है अच्छे से हीट अप हो जाए, देन हम इसमें ऐड कर लेंगे ओनियन। ये 2 मीडियम साइज़ के ओनियन से, अगर आप के पास बड़ा ओनियन है देन आप को एक ही काफ़ी है, लेकिन जब आप कोई भी कोरमा या इस तरह की चीज़ बना रहे हैं, मेक श्योर कि इतनी क्वांटिटी हो इसमें ओनियन की के जो ग्रेवी है थोड़ी सी थिक हो जाए, बिकॉज ओनियन जब स्टीम हो जाएगा तो ये थिकनेस में भी इजाफा करता है। आफ्टर देन इसमें मैंने ऐड कर लिया है 1 टीस्पून साल्ट का, 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर एंड 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और यहाँ पे इनको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्सअप। और साथ में यहाँ पे मैंने लिया है अदरक का पेस्ट, सॉरी अदरक का पाउडर है, बिकॉज़ जो है इसमें जितनी भी पाउडर और मसाला ज़्यादा आप ऐड करते हैं वो इसको मज़ीद स्पाइस के लिए जो है ना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा मैं स्पाइसी रख रही हूँ, आज है भी जुमा मुबारक का दिन। यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है फ्रेश गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से भून गया हुआ है ऑलमोस्ट मसाला जो है। इसको भी हम स्टीम करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इसका ट्रिक मैं आपको बताती हूँ बाद में। पहले यहाँ पे ऐड कर लेते हैं स्टीम्ड मटन, ये राउंड अबाउट 1 kg मटन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको यहाँ पर ऐड कर लिया। इसको करेंगे हम कम अज़ कम 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही मसाले के अंदर फ्राई करेंगे, ताकि जो मसाला है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए मटन, बिकॉज बिल्कुल प्लेन मैंने बॉईल किया था। और देखिए जैसे ही हो चुका है इसमें एब्जॉर्ब। अब इसमें ऐड कर लेंगे हम योगर्ट, ये तकरीबन 1/2 कप मैंने इसमें योगर्ट ऐड कर लिया। योगर्ट मेक श्योर कि खट्टा ना हो, बिल्कुल फ्रेश योगर्ट लें, फुल क्रीम वाला योगर्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया है। और इसी योगर्ट के साथ यहाँ पे जो मसाला है वो भी स्टीम्ड हो जाएगा, और जो मसाला जाते हैं वो भी इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एडोरेबल बॉय जो है अपने बेबी के साथ बहुत मस्तियाँ कर रहा है, और वो थोड़ा सा शर्माना शुरू कर दिया इसने। तो साथ में इसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है मुझे कि क्या कर रहा है, साइड बाई साइड इसकी नज़र इस पर लगानी पड़ती है मुझे। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं जो इसका योगर्ट था। अब हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे जितना कि हमें ज़रूरत है, यानी कि जितना आप थिक शोरबा चाहते हैं उस हिसाब से इसमें ऐड कर लेते हैं पानी। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें ऐड कर लिया फ्रेश ग्रीन चिली, और साथ में बारीक स्लाइसेस अदरक के ऐड कर लूँगी। इसके साथ कोरमे में जो जान डलती है वो आपको खा के ही पता चलेगा, बिकॉज ये रेसिपी की जो जान है ना वो इसमें बारीक स्लाइसेस अदरक के जो हैं इनके साथ आती है, और साथ में योगर्ट के साथ इस रेसिपी में जान आती है। तो मेक श्योर कि जब भी आप कोरमा बनाएं उसमें दही मस्ट ऐड करें, अगर टमाटर हैं देन ओके, अगर नहीं है देन नो प्रॉब्लम, उसमें दही ऐड कर सकते हैं आप। अभी इसमें मैंने यखनी वाला पानी ऐड कर लिया, जो इस मटन का अपना वाला पानी था यखनी, वही ऐड किया है। और इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये ड्राई हो के थिक ना हो जाए। इसको हमने थिक शेप में बनाना है, बिकॉज जब से ये थिक होगा इट मीन्स कि हमारा कोरमा रेडी हो चुका है। और आफ्टर 15 मिनट्स इसको स्लो मीडियम फ्लेम पे मैंने छोड़ दिया पकने के लिए। आफ्टर 15 मिनट्स देखेंगे इंशाल्लाह ये इतना थिक हो जाएगा और इसकी फाइनल लुक मैं दिखाऊंगी। लेकिन इस पर अभी मैंने डस्ट किया है फर्स्ट 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर डस्ट किया है, ताकि वो इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए अच्छे तरीके से। और यहाँ पे देखें इसके आफ्टर 15 मिनट्स लुक मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें आफ्टर 15 मिनट्स माशाल्लाह कितने अच्छे से ड्राई हो चुका है, इट मीन्स ये रेडी हो चुका है। इसको करते हैं सर्व, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं चलो एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।